सो इन द डिस्कशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज मैं आपसे बात करने वाला हूं अबाउट एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेल फर्टिलिटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेल फर्टिलिटी। इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी बात रिवाइज करिए। मैंने आपको बताया था कि स्पर्म्स जो कि टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहे होंगे अलॉन्ग विद सम सॉर्ट ऑफ फ्लूइड जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा जो कि सिंथेसाइज से रिलीज हो रहे होंगे फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स। इन दोनों को मिलाकर के हम लोग बोल रहे हैं सीमेन या फिर इजैकुलेट। एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि अगर हम सीमेन या इजैकुलेट का अमाउंट 100% कंसीडर कर रहे हैं तो इस 100% का सिर्फ और सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करेंगे स्पर्म्स या मेल गैमेट्स। रेस्ट ऑफ अमाउंट अबाउट 90% कंट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट मेल एसेसरी ग्लैंड्स जिनके सिक्रीशंस को हम लोग बोल रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा। एक और बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर हम अमाउंट ऑफ सीमेन की बात करें वो भी पर इजैकुलेट देन इट शुड बी 2 to 6 ml या अगर आप एवरेज लेकर के चलना चाह रहे हैं तो इट शुड बी 3.5 ml बट पर इजैकुलेट। एनसीईआरटी की डेटा की अगर हम बात करें तो स्पर्म काउंट पर इजैकुलेट शुड बी 200 to 300 millions। तो एनसीईआरटी लिख रही है कि पर इजैकुलेशन स्पर्म काउंट शुड बी 200 to 300 millions। इस चीज को और अच्छे से आप समझिए। मैंने बोला कि हर बार पर इजैकुलेशन कितने स्पर्म्स रिलीज होने चाहिए 200 से 300 millions। तो नंबर आप देखिए एक तरफ पर इजैकुलेशन देखिए तो पर इजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज कर रहा है मेल ह्यूमन। इस चीज को आप और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको गैमेट ट्रांसफर मैकेनिज्म समझ में आती है। तो मैंने आपको जब पॉलिनेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर बताया था और हमने बोला था कि इस प्रोसेस में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है लॉस होता है। तो अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ ह्यूमन ओनली मेल गैमेट्स आर मोटाइल देन मेल गैमेट्स दैट हैज टू रीच द फीमेल गैमेट जस्ट टू फैसिलिटेट द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पे मेल गैमेट्स अगर मोटाइल है तो इसको फीमेल गैमेट तक पहुंचना होगा ताकि क्या हो सके फर्टिलाइजेशन हो सके। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट ट्रांसफर स्पेसिफिकली हम लोग जिसको ह्यूमन में बोल रहे हैं इंसेमिनेशन बहुत सारे स्पर्म्स का क्या होता होगा लॉस होता होगा वो हमें इस नंबर से समझ में आ रहा है। या फिर अगर इस गंभीरता को मैं और अच्छे से आपको समझाऊं थोड़ा सा और डिटेल में तो इसको ऐसे आप समझिए कि अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन फीमेल में जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है वैसे तो हम मानते हैं 11 to 13 लेकिन ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग होती है लेकिन इंडिया में अगर हम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी या एज ऑफ प्यूबर्टी को कंसिडर कर रहे हैं तो इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल इट शुड बी 11 to 13 ईयर। ये 11 से 13 साल के बीच में क्या आ जाती है प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल्स में जबकि थोड़ा लेट आती है लगभग 13 से 15 साल में मेल में। लेकिन अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं तो प्यूबर्टी 11 से 13 साल में आ जा रही है। हम इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 10 साल मान ले रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आइडियली एक ह्यूमन फीमेल में 10 ईयर ऑफ एज में प्यूबर्टी आ जाती है और आपको पता है कि 50 ईयर ऑफ एज में फीमेल्स जो है ये ओवा प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं यानी 50 साल की उम्र में मीनोपॉज आ जाएगा। तो 50 को आप 10 से माइनस करें 50 - 10 करें तो 40 ईयर्स आएंगे और ईयर्स को अगर हम मंथ्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 × 12 वुड बी 480 कितना हो जाएगा 480 480। तो एक फीमेल एक ह्यूमन फीमेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव एज हो सकती है 40 साल और अगर हम 40 साल में मंथ्स देख रहे हैं तो 480 और अगर हम मेंसुरल साइकिल की बात करें तो आइडियल ड्यूरेशन तो 28 डेज का होता है लेकिन हम आसान कैलकुलेशन के लिए अगर इसको भी हम 30 मान लेते हैं तो 480 महीने में 480 मेंसुरल साइकिल्स होंगी या रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होंगी और हर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंसुरल साइकिल में एक ओवा प्रोड्यूस करेगी फीमेल ह्यूमन फीमेल तो नंबर ऑफ ओवा कितने हो जाएंगे 480। तो अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव एज कितनी है 480 मंथ्स या 40 ईयर्स और मैक्सिमम से मैक्सिमम ये अपनी पूरी की पूरी रिप्रोडक्टिव एज या लाइफ में ओवा प्रोड्यूस कर रही है अगर तो ये कर सकती है 480 ओवा।
480 ओवा। तो एक तरफ अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात कर रहे हैं तो अपनी पूरी लाइफ में, पूरी रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 480 ओवा प्रोड्यूस कर सकती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ मेल फिजियोलॉजी के कंटेस्ट में बात कर रहे हैं तो पर इजैकुलेट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज कर रहा है एक ह्यूमन मेल। तो आप यहां पे इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि एट द टाइम ऑफ इंसेमिनेशन ढेर सारे स्पर्म्स क्या हो जाते होंगे, लॉस हो जाते होंगे, खराब हो जाते होंगे, क्योंकि एक ही स्पर्म का काम है। जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो इस बात को और अच्छे से समझेंगे। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि गैमेट ट्रांसफर कहीं का भी हो, इसमें जो गैमेट ट्रांसफर हो रहा है उसका ह्यूज नंबर में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। एंड चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को इनहांस करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जो गैमेट ट्रांसफर कर रहा है पेरेंट, उसको ह्यूज नंबर में क्या प्रोड्यूस करनी होगी, गैमेट्स प्रोड्यूस करनी होंगी। मुझे लगता है कि आप अब आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि क्यों ह्यूमन मेल इतना ज्यादा नंबर में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि क्योंकि इंसेमिनेशन के टाइम पे स्पर्म्स को डिपॉजिट करना है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और गैमेट ट्रांसफर में बहुत सारे गैमेट का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे, मेल फर्टिलिटी पे। तो सबसे पहली बात आप समझिए, मेल फर्टिलिटी प्राइमरली डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव स्पर्म काउंट, इफेक्टिव स्पर्म काउंट। मैंने आपको बताया कि जो प्राइम फैक्टर है, जो प्राइमरी डिटर्मिनेंट है मेल फर्टिलिटी का, ये क्या है, इफेक्टिव स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट के लिए इस चीज को मैं थोड़ा सा और आसान करता हूं। मैंने कहा कि 100 से 120 मिलियन स्पर्म रिलीज होंगे पर इजैकुलेशन। इस चीज को ध्यान से समझिए, पर एमएल ऑफ इजैकुलेट, पर एमएल ऑफ इजैकुलेट, पर एमएल ऑफ इजैकुलेट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नंबर ऑफ स्पर्म जो है वो कितने होंगे, 100 टू 120 मिलियंस। अभी मैंने आपको बताया कि पर इजैकुलेशन अगर आप बात करेंगे तो 200 से 300 मिलियंस पर इजैकुलेशन। अमाउंट ऑफ सीमेन क्या होगा, एवरेज 3.5 ml। मैं आपको यहां पे एक इजी कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन के लिए एक दूसरा डेटा आपको बता रहा हूं कि पर ml ऑफ सीमेन द नंबर ऑफ स्पर्म शुड बी 100 टू 120 मिलियंस, 100 से 120 मिलियंस स्पर्म होने चाहिए पर ml ऑफ सीमेन में। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए, फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी द नंबर ऑफ स्पर्म और स्पर्म काउंट शुड बी एटलीस्ट 20 ml, 20 मिलियंस पर ml ऑफ इजैकुलेशन। मैंने आपको बताया कि वैसे तो पर ml ऑफ सीमेन 100 टू 120 मिलियन स्पर्म होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट पर ml ऑफ इजैकुलेट, पर ml ऑफ सीमेन स्पर्म काउंट शुड बी एटलीस्ट 20 मिलियन। कितने होने चाहिए, पर ml 20 मिलियन होने चाहिए। और अगर अगर इससे भी कम हो गया तो यहां पे आप फर्टिलिटी अफेक्ट होगी। पहला केस मैं आपको बता रहा हूं, अगर 20 मिलियन पर ml से स्पर्म काउंट अगर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है या फिर कम हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगो मतलब फ्यू, स्पर्मिया का मतलब यहां पे क्या है, स्पर्म से है, तो ऑलिगो का मतलब फ्यू मतलब कम, स्पर्मिया मतलब स्पर्म। तो अगर स्पर्म काउंट कम है, किससे कम है, लेस देन 20 मिलियन पर ml ऑफ इजैकुलेट और सीमेन, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑलिगोस्पर्मिया। दिस इज द कंडीशन वेयर मेल इनफर्टिलिटी इज लाइकली टू अकर। ये वो कंडीशन है, देयर आर चांसेस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। यहां पे अब ये चांस आ सकता है, ये संभावना बन सकती है कि क्या हो सके, स्टेरिलिटी आ जाए, मेल इनफर्टिलिटी आ जाए। तो मैंने आपको बताया कि पर ml ऑफ सीमेन, पर ml ऑफ इजैकुलेट 100 से 120 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कम से कम, हद से हद, एटलीस्ट स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, पर ml ऑफ इजैकुलेट 20 मिलियन।
अगर 20 मिलियन से भी कम हो जा रहा है स्पर्म काउंट तो कंडीशन को बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो का मतलब फ्यू, स्पर्मिया का मतलब स्पर्म से है। तो कम अगर काउंट होगा 20 मिलियन से भी पर एमएल कम हो जाएगा तो कंडीशन को बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया, जहां पे संभावनाएं बनती हैं किसकी, मेल इनफर्टिलिटी या स्टरिलिटी की। और दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, बिल्कुल अगर जीरो हो जाए, मैंने आपको बताया कि अगर स्पर्म काउंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो मीन इज दैट सीमेन डज नॉट कंटेन स्पर्म्स, सीमेन में क्या ना हो, स्पर्म ना हो, तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो यहां पे इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एजियोस्पर्मिया। इस कंडीशन को मैं बोल रहा हूं एजियोस्पर्मिया। ए का मतलब सिर्फ यहां पे आप समझ सकते हैं एब्सेंट से है। तो अगर स्पर्म एब्सेंट है सीमेन में, इफ सीमेन डज नॉट कंटेन स्पर्म्स, तो कंडीशन को हम बोल रहे हैं एजियोस्पर्मिया। यहां पे इनफर्टिलिटी की संभावना नहीं है, यहां पे गारंटीड है इनफर्टिलिटी या स्टरिलिटी, क्योंकि अगर सीमेन में स्पर्म ही नहीं है तो फर्टिलिटी की बात ही नहीं आती है। तो इन केस ऑफ एजियोस्पर्मिया इनफर्टिलिटी या स्टरिलिटी क्या है, गारंटीड है। यहां पे चांस नहीं, यहां पे गारंटी है कि क्या होगी, इनफर्टिलिटी या स्टरिलिटी होगी इन केस ऑफ मेल। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे, आपको पहले ही बता चुका हूं वैसे टमी, जब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बर्थ कंट्रोल हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो जो मेल्स हैं, मेल ह्यूमन में दोनों के दोनों वॉस डिफरेंस को कट करके सर्जिकली लाइगेट कर दिया जाता है, और इस सर्जरी को हम लोग बोलते हैं वैसेक्टमी। वैसेक्टमी में हम कर क्या रहे हैं, वॉस डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर दे रहे हैं। बड़ा माइनर सा ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, सर्जरी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वैसेक्टमी। तो वॉस डिफरेंस है, स्पर्म आ रहे हैं, रास्ते में मिल रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा, तो सेमिनल प्लाज्मा तो बनेगा, सीमेन तो बनेगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, स्पर्म, क्योंकि उसके रास्ते को हमने काट करके क्या कर दिया है, लाइगेट कर दिया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एजियोस्पर्मिया। और ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मैंने आपको बताया एक बर्थ कंट्रोल क्या है, बर्थ कंट्रोल की मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ये जो दोनों की दोनों प्रॉब्लम है, इसको आप समझ लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो काउंट ऑफ स्पर्म है, जो स्पर्म काउंट है, ये डिपेंड करता है विटामिन ई पे। इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, मैंने यहां पे लिखा है विटामिन ई। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू डिक्रीज इन स्पर्म काउंट इन सीमेन। जो अगर बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो सीमेन में स्पर्म काउंट क्या हो सकता है, लो हो सकता है। तो इसलिए जितने भी बॉयज हैं या मेल्स हैं उनको विटामिन ई पे बड़ा ध्यान देना होता है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से स्पर्म काउंट क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। अब अगर मैं दूसरे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट या फैक्टर पे आता हूं जो कि मेल फर्टिलिटी को डिटर्मिन करेगी, तो दूसरा आ जाता है यहां पे स्पर्म मोर्टेलिटी। द सेकंड एंड अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिटरमिन्स द मेल फर्टिलिटी इज स्पर्म मोर्टेलिटी, मोर्टिलिटी। तो मोर्टिलिटी के लिए आप एक बात समझिए, मैंने आपको बताया अगर हम एनसीईआरटी की डेटा को यहां पे लेकर के चलते हैं तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए पर इजेकुलेशन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए पर इजेकुलेशन, एंड आउट ऑफ देम एटलीस्ट 40% ऑफ स्पर्म मस्ट एग्जिबिट विगरस मोर्टेलिटी। इस शब्द को आप बहुत अच्छे से देख लीजिए, विगरस मोर्टिलिटी। मैं यहां पे मोर्टिलिटी या एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे हम हाइपर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। विगरस मतलब हाइपर, तो मोर्टिलिटी ही नहीं होनी चाहिए सिर्फ, इसमें हाइपर मोर्टेलिटी होनी चाहिए। स्पर्म एक्टिव ना हो, हाइपर एक्टिव हो, कम से कम कितने, 40%। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजेकुलेशन जो रिलीज हो रहे हैं, पर इंसेमिनेशन जो डिपॉजिट किए जा रहे हैं इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी, आउट ऑफ 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स 40% ऑफ देम मस्ट एग्जिबिट विगरस मोर्टेलिटी। कम से कम 40% स्पर्म जो है वो हाइपर एक्टिव हो, हाइपर मोटाइल हो, यानी वो क्या हो, विगरस मोर्टेलिटी शो करें फॉर द नॉर्मल मेल फर्टिलिटी, फॉर द नॉर्मल मेल फर्टिलिटी। और ये बात डिपेंड करती है विटामिन
ए पे। तो स्पर्म की मोर्टेलिटी डिपेंड करेगी किस पे? विटामिन ए पे। जबकि मैंने आपको बताया कि विटामिन ई स्पर्म काउंट को क्या करेगी? डिटरमिन करेगी। और तीसरे अगर फैक्टर पे मैं आता हूं जो डिटरमिन कर रहा है मेल फर्टिलिटी को, तो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी मैं यहां पे बात कर रहा हूं दो चीजों की, पहला तो शेप, दूसरा साइज ऑफ स्पर्म पे। तो अगर हम 200 से 300 मिलियन स्पर्म लेकर के चल रहे हैं पर इजेकुलेट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो आउट ऑफ 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। कम से कम 60%, 200 से 300 मिलियंस का कम से कम 60% जो स्पर्म है इनकी शेप और साइज, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत सारे स्पर्म्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी टेल छोटी हो, जिनकी टेल ही ना हो, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का काउंट या नंबर क्या हो बहुत कम हो, जिसका हेड का ऑर्गेनाइजेशन क्या हो डैमेज्ड हो या डिस्टर्ब्ड हो, जिसमें न्यूक्लियस का शेप एंड साइज क्या हो छोटा या बड़ा हो, तो ये क्या हो गई? एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी हो गई। तो फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी इन केस ऑफ मेल ह्यूमन एटलीस्ट 60% ऑफ स्पर्म्स आउट ऑफ 200 टू 300 मिलियंस मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, मस्ट हैव नॉर्मल मॉर्फोलॉजी। कम से कम कितनी? 60%। कम से कम कितनी? 60%। और मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजी का मतलब कोई ना कोई स्ट्रक्चर क्या होगा डैमेज होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हेड रीजन है, जो हेड रीजन है, इस हेड रीजन में यहां पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, यहां पे जेनेटिक कंटेंट प्रेजेंट होगा हाईली कंडेंस्ड। तो इस जेनेटिक कंटेंट या डीएनए, या अगर हम क्रोमैटिन की बात कर रहे हैं तो क्रोमैटिन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है जिंक। इस चीज को आप समझ लीजिए। मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म का हेड है इट कंटेन्स न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये न्यूक्लियस को क्या करेगा? कंसिस्ट करेगा। और मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होगा? हैप्लॉइड जेनेटिक कंटेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डीएनए, जो कि हाईली कंडेंस्ड है। तो इस डीएनए की स्टेबिलिटी या इस क्रोमैटिन मटेरियल की स्टेबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? जिंक। तो जिंक क्या करता है? इस डीएनए के या क्रोमैटिन के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर जैसे जिंक कम हो गया तो भी क्या होगी? एबनॉर्मलिटी होगी, या कह सकते हैं कि शेप और साइज में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी होगी, मॉर्फोलॉजी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और सारे बहुत फैक्टर होंगे लेकिन हो सकते हैं। लेकिन आपको मेन मेन याद रखना है जो आपके आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत आता है या फिर जो सिलेबस में है एक्चुअली। तो मैंने आपको बताया कि जिंक मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमैटिन की स्टेबिलिटी के लिए। अगर जिंक की डिफिशियंसी है तो हो सकता है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म क्या हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। तो इसलिए जो फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं, जो फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं, उसमें आप देखते होंगे कि विटामिन ई, विटामिन ए, जिंक, ये सारी चीज़ों का क्या होता है? कॉम्पोजिशन होता है। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स, ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं? डिटर्मिन कर रहे हैं मेल फर्टिलिटी को। तो इस बात को, ये बहुत छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया कि ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स होंगे जो कि डिटर्मिन कर रहे हैं या गवर्न कर रहे हैं मेल फर्टिलिटी को। पहला हमने बताया कि जो प्राइम फैक्टर है, जो प्राइमरी फैक्टर या डिटर्मिनेंट है, वो है इफेक्टिव स्पर्म काउंट। कम से कम एटलीस्ट कितना होना चाहिए पर ml ऑफ इजेकुलेट? 20 मिलियंस। 20 मिलियंस से अगर कमा रहा है तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम आ सकती है। फिर मैंने आपको बताया कि स्पर्म मोर्टिलिटी 200 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेट जो रिलीज हो रहे हैं, उसमें से कम से कम 40% स्पर्म मस्ट एग्जिबिट विगरस मोर्टेलिटी, हाइपर एक्टिव या हाइपर मोटाइल होने चाहिए। और मैंने आपको बताया कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो 60% ऑफ 200 टू 300 मिलियन स्पर्म जो है इनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए। इसको डिसाइड करता है, मैंने आपको बताया था, स्पर्म काउंट डिसाइड करता है विटामिन ई, मोटिलिटी डिसाइड करता है विटामिन ए, और हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि जिंक जो होता है वो स्टेबिलिटी के लिए, शेप और साइज या फिर क्रोमैटिन स्टेबिलिटी के लिए भी क्या होता है? जिम्मेदार होता है। तो ज्यादातर फर्टिलिटी जो ड्रग्स होती हैं इनमें यही सारे क्या होते हैं? कॉम्पोजिशन होते हैं। इससे ज्यादा आपको इस क्लास 12th की क्लास के लेवल पे नहीं पढ़ना है। तो ये छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। इसके साथ हम इस पूरी बात के साथ जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कशन है उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितना ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना चाहिए क्लास 12th के सिलेबस के लेवल पे, वो
मैंने आपको बताया। आई होप दिस फिनिश इज द टॉपिक ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप बार बार रिवाइज करिए, फिर हम जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।